अरे दोस्तों कैमरा ओपन करने में थोड़ा टाइम लग गया, मम्मी यहाँ पे नीचे फिसल गई, डूब जाएगा पेड़ पे। ए जंग जीत के आ गई, एवरेस्ट की चोटी से आ गई मेरी आरती। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को मेरे प्यार भर प्रणाम, स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधमेश्वर घाटी में और अपनी मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो एक नए दिन की शुरुआत करते, एक और नए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के टाइम पर बंदरों ने आतंक मचा रखा है, ये देख लो पेड़ों पर लगे हुए हैं कूदने पर, और देखो भागने पर लगे हुए हैं, पूरा आतंक मचा रखा है बंदरों ने। ये देखो छत में भी आ गए, तो बंदरों ने आतंक तो मचा ही रखा है। और मौसम की बात की जाए तो आज मौसम ना पूरा क्लियर है, साफ है। कल यहाँ बारिश हुई और इस कारण काफ़ी ठंड भी बढ़ चुकी है, और चोपता तुंगनाल सारी इन जगह बर्फ भी पड़ चुकी है, बर्फबारी पड़ चुकी है, बर्फबारी हो चुकी है। तो आप लोग अगर कोई भी इच्छुक है घूमने के लिए तो आप वहाँ आ सकते हो। और ये देखो इन बंदरों के आतंक, वाह। हेलो, तो कंटिन्यू तो ब्लॉग नहीं बना रही हूँ इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। और अभी हम चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ है मेरी मम्मी जी बना रही नाश्ता, तैयार कर रही है, वो भाई बहुत धुआं। ये देखो मम्मी क्या बना रहे हो? ये क्या बना, दाल की भरी रोटी बना रही मैं। अच्छा, प्रणाम करो सभी को। हेलो दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं, आप सुनाओ आप कैसे हो? आज बन रही है हमारी मंडवे की भरी रोटी, दाल की भरी हुई रोटी बन रही है आज हमारी। किसकी इसने खाई है कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी लोग। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी भी होती है। तो ये देखो ये दाल, ये गहरी दाल होती है, उसको बारीक करके पीस करके ये रोटी के अंदर भरा जाता है, तब जाके ये रोटी बनती है दाल भरी रोटी। तो यहाँ पर मम्मी बना ही रही है, हमारे यहाँ तो ये रोटी बनती ही है, पहाड़ों में तो हर किसी के यहाँ आजकल ठंड में ही रोटियाँ बनती हैं। तो दोस्तों यहाँ मेरे भाई देखो झाड़ू मार रहे हैं, ऐसे मारते हैं झाड़ू, देख सकते हो आप जी। तो अभी दोस्तों आज तो छुट्टी है मेरी, तो मैं अभी घर ही पर हूँ। और अभी हमारी गाय यहाँ देखो बाहर निकाल दी है मम्मी ने, और धूप भी प्यारी सी आ चुकी है और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है। और कॉल पे है अलका मैडम, अलका मैडम से मिलवाते हैं। अलका हेलो बोल। हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे हो? तो सब बढ़िया है। तो अभी मेरी मम्मी दे रही है गाय के लिए उसका खाना। मम्मा हेलो करो। तो थोड़ी देर बाद हम भी जंगल में जाएंगे, क्योंकि आजकल जंगल खुला है तो कोई किसी भी टाइम जाके घास लकड़ी पत्ते कुछ भी ला सकता है। तो अभी हम पत्तों के लिए जाएंगे। तो अभी दोस्तों हमारी तैयारी हो गई है, अब जंगल पे तो नहीं जा रहे, पर जहाँ हमारे और खेत है ना घास के लिए वहाँ जा रहे हैं हम। मार देता घर भगो देता घर मुझे और टाइम मिनटी को घर जल्दी जल्दी घर भंकर जान चुकी हूं। अरे दोस्तों कैमरा ओपन करने में थोड़ा टाइम लग गया, मम्मी यहाँ पे नीचे फिसल गई, थोड़ा टाइम लग गया। मम्मी डू को बोली मुझे पकड़ नहीं सकते, पता मैं कैमरा खोल ही रही थी, बोल ही रही थी कि ऐसा ऐसे रास्ते से आने पड़ता है, तब तक के लिए मम्मी फिसल गई, कैमरा खोलने में थोड़ा लेट हो गई। ये देखो फ्यूली भी फूल फिर से गिरूंगी, फिर से गिरूंगी, मतलब वीडियो बनाने के लिए फिर से गिरूंगी। हाँ सचिव, मैं तो मतलब थोड़ा लेट हो गई, ऐसे नहीं कि मम्मी गिरी, अरे अरे ऐसे कुछ नहीं होता, अरे अरे ये ना पहाड़ों में फिसलते रहते हैं। तो आजकल देखो खेतों में सरसों की खेती हो रही है, पूरे खेत पीले हो रखे हैं, यहाँ देखो चोट नहीं खाती है। हाँ? पहाड़ की औरत कर्मठ होती है, औरत कर्मठ रहती है, चोट नहीं लगती एकदम से, अपना गिरते रहते हैं कुछ नहीं होता, इतना बैलेंस बना देती है। ऐसा है ही, क्योंकि आजकल ऐसे ना कि रास्तों में पाला वगैरह गिरा रहता है तो फिसलन होती रहती है, इसलिए डोंट माइंड। तो क्या है? भी जैसे पुराने होते ही फिसलते हैं। हाँ वो तो होता ही है,
अब मैं ना फिसल गई, मम्मी को और फिसलने की वीडियो कैप्चर करने के चक्कर में कहीं मैं ना फिसल जाऊँ, तो कैमरा बंद करते हैं, सीधा जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच के हम बात करते हैं। रास्ते ना थोड़ा ऐसे है खड़ी चढ़ाई जैसे, और बुआ का घर ना यहाँ नीचे पे है, जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हुए ना तो उन्हें पता होगा यहाँ पे से नीचे से तब बुआ का घर दिख रहा है, हम वहाँ जा रहे थे उस दिन। तो अभी देखो इस रास्ते से चलते हैं। तू का कौन हो? रात भर घर नहीं होने साल लगी बटा जी। यहाँ भी गौशाला है घर से थोड़ा दूर, वहाँ पर उधर देख सकते हो आप। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नीचे से ना मंदाकिनी नदी की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हो इसको यहाँ देखिए। दोस्तों खेतों में आके सबसे पहले काम होता है हमारी दरांती की धार को तेज करना, क्योंकि जब दरांती की धार तेज होगी तभी तो हम घास ठीक से निकाल पाएंगे, और उल्टा हमें लकड़ियाँ भी यहाँ से ले जानी है। तो मम्मी यहाँ पे दरांती की धार तेज कर रही है। अभी मैंने लगभग पूरा तो नहीं निकाला, पर थोड़ा बहुत घास निकाल दिया, और मेरी मम्मी अब जाके घास की मूड बनाने पर लगी हुई है, और मेरी मम्मी अभी तक आराम से ना नहीं थी लगी फोन पाई के कने। दोस्तों मजा करी, वो मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो मेरी मम्मी थोड़ा बैठी हुई थी, तो मैंने इतना घास निकाल दिया, और मुझे मम्मी बोल रही इसको काटना है, थोड़ा इसको निकाल देते हैं। अरे वो पट की जान मम्मी पेड़ पे चढ़ देते थोड़ा आराम से। जंग जीत के आ गई, एवरेस्ट की चोटी से आ गई मेरी आर्ट। दोस्तों पेड़ पे चढ़ना मुश्किल नहीं है, इतने बारीक पेड़ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें गिरने का डर भी रहता है। फिर काट घास भी काटना है। और पेड़ पे भी चढ़ना क्योंकि अब देखो पहले तो ये टूटते भी है ना, ये पेड़ थोड़ा जल्दी टूट जाता है, कच्चे पेड़ होते हैं, कच्चे पेड़ होते हैं, तो फाइनली काट दिया है थोड़ा इधर पर, जल्दी जल्दी से काम करते हैं, यही पूरा दिन कट गया। करना पड़ेगा यार, कल के दिन कहीं जाएगी ससुराल जाएगी किसी की बहू बनेगी तब तो करना ही पड़ेगा यार, पेड़ काट के लाना पड़ेगा। ससुराल जाने में भी बहुत टाइम है गाइस, पर मैं बोल दूंगी जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा तो हर काम उसको खुद करना पड़ेगा, खाना बनाएगी ये, और थोड़ा घास फूस थोड़ा बहुत लाएगी, और मिट्टी का काम ज्यादा नहीं करेगी भाई। थोड़ा एलर्जी हो जाती है मिट्टी से, धूल वगैरह से, धूल से होती है यार, अपने देश की मिट्टी तो सबको अच्छी लगती हाँ, है, पर क्या करें धूल से एलर्जी है इसीलिए बस। यार जल्दी से काम करते हैं, मम्मी तो काम कर नहीं रही, मुझे भी करने नहीं दे रही। जो भी मेरी बेटी को बहू बनाएगा तो सोच समझ के बनाना, मेरी बेटी को बहू बनाएगा सोच समझ के बनाना, जो मेरी बेटी को बहू बनाएगा ना अपने घर की बहू बनाएगा ना सोच समझ के बनाना सारा काम करना। मम्मी की बात, इसको पढ़ाई लिखाई करके इसको नौकरी करने देना, ये नौकरी करेगी। ए लो नौकरी कर ना, पहले ये काम कर दो, घर जाओ देर। अभी मैं काम जीवन है, जीवन में कहीं संघर्ष आते हैं, निभाने भी पड़ते हैं, पर थोड़ा बहुत देखिए भी है कि शरीर को भी देखना पड़ता है। ले बहुत हो गया आज के लिए, तो अभी जल्दी दोस्तों इस घास को पूरा इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि काफी लेट हो चुकी है, क्योंकि मम्मी तो पता नहीं आज मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो मम्मी भी अभी जल्दी से एक्टिव हो गई है, तो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं फिर घर जाते हैं, खाना भी बनाना है हमें। काटने में लगी कितनी चट्टान पे चढ़ रखी है आरती, आरती तो पहलवान बन गई है। तो मैंने लगभग 2-3 पेड़ काट दिए हैं आके। मम्मी ब्लॉगर आराम से बोल रही, मैं नहीं कर रही काम, मैं ब्लॉग बना रही, मेरी मम्मी को ब्लॉगर बनना है शायद से। अरे आज मेरी ब्लॉगर को भी काम करना पड़ता है, मेरी हिम्मत नहीं बन रही ना, मेरे फोन में पाँव रखा हुआ मैडम जी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो दोस्तों अभी वो पेड़ भी काट दिया, ये वाला भी काट दिया,
ये थोड़ा सा जाने के लिए ठीक था, मतलब पाँव बैलेंस बनाने के लिए ठीक था, तो अभी तो काट दिए। अब थोड़ा सा इतना घास बचा हुआ, मम्मी नीचे दिखाना, तो इतना घास बचा हुआ ये निकालते हैं फिर घर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक घास, अरे किनारे से काट ना, अरे किनारे से काट ना, वो थोड़ा सा मुठ लगानी पड़ती है। एक तो तेरा डुगू है घास में बैठा, बैठने दे उसे। चल मम्मी तू भी काम कर जल्दी, डुगू चल घर, चल चलते हैं, चल आ गया। हाँ चल, हाँ देख घर के लिए तो इतनी जल्दी भाग रहा ना, जैसे बोले डुगू घर चल सीधा उठ रहा, और टाइम गन्या भी नहीं रहा। और टाइम सच में नहीं बोल रहा कुछ। चलो अब घास निकालते हैं। आप बोल रहे हो कि बारह ऐसे बोले ब्लॉग बना रहे, मेरी मम्मी कैमरा पकड़ लिया बारह, मेरी मम्मी को पता नहीं थकान लग गई आज, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, आज तबीयत डाउन पड़ गई है। मेरे हाथ में ना कांटे चुभ गए, वो चुभ रहे हैं। मेरे बेटी के ऑफिस के हाथ है, कोमल कोमल हाथ है, क्या करे, करना पड़ता है यार। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई मना नहीं है काम करने के लिए, कभी कभी तो चलता है। तो यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। रास्ते ऐसे है ना दोस्तों, घुस घुस के जाना पड़ रहा है, इतनी बारीक रास्तों से। दोस्तों मेरी भाभी जी ने भी सूट पहनना शुरू कर लिया है, हमारे गांव की सारी महिला धीरे धीरे सूट पहनना शुरू कर दी है। नहीं नहीं सारे सूट रख रहे हैं। रास्ता देखो ऐसे है, मम्मी जा ऐसे देखो, मेरे भाभी धका रहे हैं। रास्ता थोड़ा मतलब पतला है तो घास ले जाने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी दोस्तों अब घर चलते हैं और आज के ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं। मम्मा यार देखना ब्लॉग को एंड करो। चलो आरती की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और बाय बाय। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। यही हमारे पहाड़ की महिलाओं का जनजीवन, मैं तो कभी कभी इस जीवन को देख पाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर और जगह भी काम रहता है तो मैं हमेशा मम्मी के साथ मदद करने नहीं आती हूँ, पर जिस दिन भी मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है, उस दिन मैं ज़रूर मम्मी के साथ हेल्प करती हूँ। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।